गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। आज हम फिर से एक बार माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हमको एक नया पेट मिला था, एक पैरट मिला है। एंड मैंने आपको पूछा था कि मैं उसका नाम क्या रखूं, तो आप लोगों ने बहुत सारे नाम मुझे सजेस्ट किए हैं। तो ये रहा वो पैरट, एंड मुझे ना एक नाम उसमें से पसंद आया है, चीकू वाला। आई मीन जो चीकू नाम है वो मेरे को अच्छा लगा। सो आज से इस पैरट का हम नाम रखने वाले चीकू। सो प्लीज हैप्पी बर्थडे चीकू नीचे कमेंट्स में लिख दो, क्योंकि आज हमने इसका नामकरण कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस नेम, चीकू नेम। काफी अच्छा लग रहा है इसके ऊपर चीकू नेम। एंड अभी बस ना मेरे पास ना नेम टैग नहीं है। अगर होता तो मैं इसको भी जल्दी से नाम दे देता, इसके ऊपर इसका नाम लिख कर आता, लेकिन वो अभी मेरे पास है नहीं। मतलब जब हमारे पास नेम टैग आ जाएगा ना, तब मैं उसको नाम दे दूंगा। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पिछले दो वीडियो से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे अपना एक कासल बनाना है, घर बनाना है। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन मैं आज एक अपना कासल बनाने वाला हूँ, और मैं एग्जैक्टली वो इस जगह पर बनाने वाला हूँ। लेकिन बिल्डिंग का काम शुरू करने से पहले काम कर देता हूँ। ये वाला जो हमारा फर्नेस है उसके अंदर मैं ये रॉ बीफ पकने के लिए रख देता हूँ, ताकि हमको खाना मिल सके थोड़ा सा। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ना यहाँ पर बहुत सारे कोबोसन इकट्ठा कर रखे, देखो इसके अंदर मैंने कितना सारा कोबोसन यहाँ पर तोड़ रखा है। एंड यहाँ पर भी थोड़ी सी स्टेयर्स है, क्योंकि हमको स्टेयर्स की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है ये बनाने के लिए। एंड गाइस और एक चीज, मुझे ना स्मूथ स्टोन की काफी ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर मेरे पास स्मूथ स्टोन स्लैब, तो स्मूथ स्टोन स्लैब कैसे बनता है आई डोंट हैव एनी आइडिया। मुझे ना सबसे पहले बनाकर देखना पड़ेगा। आई गेस मुझे इसके लिए एक ये बनाना पड़ेगा फर्नेस। फर्नेस के अंदर आई गेस हम कॉबलस्टोन को पका सकते हैं, देन उससे बन जाएगा स्मूथ स्टोन, आई थिंक सो। तो एक काम करता हूँ, ये फर्नेस मैं यहाँ पर रख देता हूँ टेम्पररी। तो आई थिंक इससे ना स्टोन बनता है, स्मूथ स्टोन, एंड देन हम उससे स्मूथ स्टोन स्लैब्स भी देन बना पाएंगे। ओ व्हाट, ओ ये बकरी मार रही है। अबे इसने मेरे को अभी भी टक्कर मारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की। मैंने कहा था ना, मतलब मैंने बोला था ना कि बकरी टक्कर मारती हमको, देखो इसने मेरे को अभी टक्कर मारी भाई, सीरियसली। ओके इससे क्या बन गया, ओके इससे स्टोन बन गया, लेकिन मुझे स्मूथ स्टोन स्लैब्स बनाने हैं। मतलब स्टोन स्लैब्स नहीं भाई, स्मूथ स्टोन स्लैब्स कैसे बनते हैं मुझे एक्चुअली पता नहीं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो ये स्टोन मैंने यहाँ पर रख दिया। अरे इससे नहीं बनता स्मूथ स्टोन स्लैब, कैसे बनता है एक मिनट मेरे को सर्च करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा करना है, हमको स्टोन कटर की कोई जरूरत नहीं है। जो हमको ये वाला स्लैब मिला है ना, ये वाले जो स्टोन मिले, फिर से एक बार इन्हीं स्टोन को मुझे यहाँ पर रखना है, देन इससे बन जाएंगे स्मूथ स्टोन स्लैब। यार ये तो काफ़ी ज़्यादा देन दिक्कत वाला काम हो जाएगा ना। मतलब मेरे को सबसे पहले कोबलस्टोन को स्मेल करना पड़ेगा, देन उससे बन जाएगा नॉर्मल स्टोन, एंड देन इससे बनता है स्मूथ स्टोन। ओके वैसे मेरे को स्मूथ स्टोन की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्मूथ स्टोन होने वाला है ना, वो बस मैं अपने हमारा जो ब्रिज होने वाला है ना कासल का, उसके हमको नीचे लगाना है, एंड थोड़ा सा रूफ के ऊपर भी लगाना है। तो आई थिंक सो कि मुझे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक काम करता हूँ, मैं ना थोड़े से आज से और कोबल स्टोन ले लेता हूँ, एंड दो तीन चार पाँच फर्नेसेस एक बार मैं बना लेता हूँ, एंड उसके अंदर देन ये हम स्मेल्ट करने के लिए रख देंगे। देन आई थिंक उससे हमारा काम ना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो अभी मैं जल्दी से यहाँ से ना बहुत सारे फर्नेस बना लेता हूँ। कहाँ गए भाई फर्नेस, ओके छः फर्नेस यहाँ से मैं बना लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ से 6 फर्नेसेस बना लिए, एंड इनको अभी मैं लाइन में रखने वाला हूँ, ताकि ये जल्दी हो सके, क्योंकि यार मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, हर एक चीज़ को स्मेल करने का एंड वो। तो यहाँ पर अभी मैं सारे के सारे फर्नेसेस रख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर रख दिए। तो यहाँ से हमारा खाना भी पक गया, एंड मुझे ना अभी थोड़े से कोल की जरूरत है। तो एक काम करता हूँ, मैं ये वाला कोल अभी इसके अंदर डालने वाला हूँ। तो अभी ना मुझे थोड़े से कोल की जरूरत है, तो मुझे यहाँ पर जाकर थोड़ा सा कोल फाइंड करना पड़ेगा। भाई कोल कहाँ पर है, ओके ऊपर की तरफ है भाई कोल। तो यहाँ से ना मैं थोड़ा सा कोल ले लेता, क्योंकि हमको भी कोल बहुत सारा चाहिए, क्योंकि हमको नॉर्मल स्टोन को स्मूथ कोबलस्टोन को स्मूथ स्टोन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जितना भी कोल मिल रहा है ना, मैं सारा का सारा भी कलेक्ट करने वाला हूँ, देन हम अपना बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे। भाई इतना ही था क्या, अरे यार क्या बकवास है, मुझे थोड़ा सा और कोल चाहिए। तो आई गेस आसपास यहाँ पर होगा, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा कोल ले लिया, एंड मुझे थोड़ा सा और चाहिए। अगर थोड़ा सा और मिल गया तो और मज़े ही आ जाएगा। मुझे आसपास एक बार देखना पड़ेगा कि कोल कहाँ पर है। वैसे ये वाली गुफा के अंदर मैं गया नहीं हूँ, लेकिन एक बार जाकर देखता हूँ मैं भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा कोल वगैरह मिल सकता है। ओ देखो मिल सकता है, नहीं मिल गया, दैट्स नाइस। अभी जल्दी से मैं यहाँ से सारा का सारा कोल कलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर बहुत सारा है भाई। ओके थोड़ा सा मैं नीचे जाकर देखता हूँ, नीचे स्केलेटन है, स्केलेटन स्केलेटन है भाई वहाँ पर। मेरे को सॉरी भाई, जा रहा हूँ, रुक तो जा यार। तो आई थिंक मेरे पास अभी कितना आ चुका है, ओके 16 कोल आ गया, लेकिन 16 में मेरा काम कुछ होने नहीं वाला है। थोड़ा सा और चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो स्मूथ स्टोन है ना, इससे भी मेरे को स्लैब्स बनाने, तो स्लैब बनाने के लिए कैसे हमको ये यहाँ पर रखना पड़ता है ऐसे। ओके ऐसे बनता है स्लैब, तो मेरे पास टोटल 28 स्लैब्स आ गए। ओके ओके तो इससे हमारा काम आई गेस आसान हो जाएगा। एंड यहाँ पर अभी देखो और थोड़े से स्मूथ स्टोन्स आ गए,
यहाँ से स्मूथ स्टोन काफी सारा तैयार हो रहा है। यहाँ से ये वाला स्टोन उठाकर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ताकि और सारा स्मूथ स्टोन तैयार हो सके। एंड वैसे भी अंदर हो रहा है, सबसे पहले सो जाते हैं। सुबह होने के बाद हम अपना बिल्डिंग का काम करना शुरू करने वाला है, जो बिल्डिंग हमारी बनानी है वो हम अभी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं जल्दी से भी उसका हम शुभारंभ करने वाले हैं। उसके लिए मुझे बहुत सारा कोबल स्टोन चाहिए, तो दैट्स मैंने यहाँ पर बहुत सारा कोबल स्टोन स्टोर कर रखा था। तो मैंने यहाँ से बहुत सारा कोबल स्टोन ले लिया है एंड लेट्स गो। अभी हम अपना बिल्डिंग का काम शुरू करने वाले हैं एंड वो हम बनाने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले ना हमको यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा एक ये बनाना है, एक जो रास्ता होता है ना, एक ब्रिज टाइप का, वो मैं सबसे पहले यहाँ पर बनाने वाला हूँ एंड वो बहुत लंबा होने वाला है। ये हम बनाएंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया भाई, खत्म हो गए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो 23 तक आई थिंक हमारा बीच रहेगा, आई मीन ब्रिज रहेगा। तो ये यहाँ तक आ गया, देन हमको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 वाले ब्लॉक, आई मीन 6 ब्लॉक यहाँ पर नीचे छोड़ने हैं इसके बीच में एंड देन यहाँ पर 7th वाला ब्लॉक लगाना है। तो यहाँ पर टोटल 8 ब्लॉक्स हो जाने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। परफेक्ट, एक्जैक्टली यहाँ पर 8 ब्लॉक्स हो गए। देन हमको यहाँ पर थोड़े से स्टेयर्स की जरूरत है। मेरे पास थोड़ी सी स्टेयर्स है यार, मैं ऊपर से लेकर आना भूल गया, कोई नहीं। तो अभी मैं मुझे यहाँ पर वो स्टेयर्स लगानी है कुछ इस तरीके से, ये वाला ये फिलअप करना पड़ेगा 4, 5 एंड ये लास्ट वाली 6। परफेक्ट, तो यहाँ से हमारा ऐसा ब्रिज बनने वाला है एंड ये जो कोबलस्टोन है ना, मुझे इसकी जगह पर स्मूथ स्टोन के ब्लॉक्स लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं ये स्मूथ स्टोन के ब्रिक्स आई मीन स्लैब्स अपने हाथ में मैं ले लेता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे टोटल 3 लगाने हैं, तीन लगाऊंगा तो ही अच्छा लगेगा, 1, 2, 3 ओके। एंड देन इसके बाद हमको यहाँ पर एक ब्लॉक रखना है एंड यहाँ पर भी हमको स्टेयर्स लगानी है। अरे यार वो गलत लगा दी, 1, 2, क्या हो रहा है, गलत क्यों लग रहा है। ओके भाई ध्यान से काम करना है, अगर मैं जल्दबाजी करूँगा तो वो ठीक से होगा नहीं भाई, एकदम परफेक्ट हमारा हमको कासल बनाना है। ये 3, 4, 5 एंड ये 6 परफेक्ट, ये हो गया। एंड देन हमको यहाँ पर ये वाले जो ब्लॉक है ना, हमको उनको भी तोड़ना है, यहाँ पर हमको स्मूथ स्टोन्स लगाने हैं, आई मीन इसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5 आई थिंक इतना सही है। देन यहाँ पर हमको 2 और लगाने, ओके। तो ये आई गेस दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक यहाँ पर लगाते हैं, एक यहाँ पर लगाते हैं। अभी मैं देखूँ तो ओके, तो अभी ये दिखने में अच्छा लग रहा है, ऐसा ही करते हैं, मतलब चारों तरफ हमको बस ऐसा लगा देना है। तो यहाँ पर भी 1 एंड 2, ये इसके ऊपर 3 एंड देन यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 ऊपर ना, ओके। तो अभी हमारी एंट्रेंस अच्छी लग रही है यार एंड अभी जल्दी से एक शोवल बना लेते हैं। तो स्टोन का भी मेरे को चलेगा, तो मैंने यहाँ से एक शोवल बना लिया है। तो गाइस मैंने यहाँ से एक शोवल बना लिया है एंड शोवल मुझे इसकी वजह से चाहिए ताकि मैं यहाँ पर ऐसा कर सकूँ, देखो ये ऐसा कर सकूँ, मतलब एक रोड बना सकूँ अपने कासल के अंदर जाने के लिए। तो ये ना कुछ काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और इसके बाद हमको बस इसको कवर कर देना है 23 ब्लॉक्स तक, इसको पूरा का पूरा सामने तक हमको कवर कर देना है। तो मैं जल्दी से इसको भी कवर कर देता हूँ चारों तरफ से एंड आई गेस एक ब्लॉक के नीचे ना कोई मॉब वगैरह भी स्पॉन नहीं होता, आई गेस मकड़ी स्पॉन हो सकती है। तो मे बी मुझे ना इसके नीचे टॉर्चेस भी देन लगानी पड़ेंगी, बट अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब क्रीपर वगैरह तो स्पॉन नहीं होगा ना, मतलब मुझे डर बस क्रीपर से ही है कि क्रीपर यहाँ पर फूट ना जाए। अगर क्रीपर फूट गया तो बैंड बच जाएगी हमारे कासल की, भाई एक 64 का स्टैक खत्म भी हो गया 1 एंड 2। तो गाइस फाइनली हमारा ब्रिज का रास्ता कंप्लीट हो चुका है एंड एक बार मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ कि एक्चुअली ये कैसा लग रहा है। तो देखो ये हमारा ब्रिज है, मतलब जहाँ से हम अपने कासल के अंदर एंट्री करेंगे, मतलब इतना लंबा चौड़ा ब्रिज है वहाँ से हम अपने कासल के अंदर जाएंगे। तो ये देखने में ना कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगने वाला है। मैं मेरा थोड़ा सा FOV बढ़ा देता हूँ कि 100 FOV तक अगर मैं बढ़ाऊंगा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड गाइस इसके बाद ना हमको बहुत सारे स्मूथ स्टोन स्लैब्स की जरूरत है एंड उसका रीज़न ये है कि हमको यहाँ पर ये बनाना है, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पर हमको 2 ब्रिक्स लगा नहीं है, 2 स्लैब्स लगाने हैं, देन उसके बाद हमको एक यहाँ पर लगाना है, दूसरा इसके ऊपर लगाना है। मुझे ऊपर जाने के लिए यहाँ पर एक ब्लॉक रखना पड़ेगा एंड यहाँ पर टोटल 3 रखने हैं, सो 1, 2 एंड ये 3 हो गया। देन यहाँ पर भी मुझे 3 स्लैब्स लगाने हैं, देन इसके बाद यहाँ पर 1, 2, ये 3 आई गेस मुझे यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा, या एंड देन यहाँ पर 1 एंड 2 परफेक्ट। देन फिर से एक बार यहाँ पर 1, 2 एंड ये 3 करना है। कुछ इसी तरीके से मुझे ये वाली जो हमारी ब्रिज होगी ना, मतलब ब्रिज की हम साइड डिज़ाइन कुछ इसी तरीके से बनाने वाले हैं। तो अगर मैं अभी इसको एक बार दूर से देखूँ ना तो एकदम सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल। एक मिनट, यहाँ पर कुछ तो लोचा है, यहाँ पर 2 ऊपर ब्लॉक्स है, नहीं, 2 नहीं भाई, मुझे एक ही ब्लॉक को ज़्यादा ऊपर रखना है। तो आई थिंक ये वाला ब्लॉक ऊपर रहेगा, अरे ये ब्लॉक बन गया क्या, आई थिंक अभी सही रहेगा, ओके अब ये देखने में सही लग रहा है। एक मिनट, मुझे यहाँ पर भी इसको लगाना पड़ेगा, ओके अब ये देखने में एग्जैक्टली सिमिलर लग रहा है ना, तो अभी ये सिमेट्रिकल लग रहा है, परफेक्ट। तो मेरे को ऐसा ही डिज़ाइन ना, मतलब इस वाले साइड पर भी बनाना है एंड उस वाले साइड पर भी बनाना है। एंड गाइस अभी कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो रहा है तो मुझे सबसे पहले जाकर सोना पड़ेगा, अभी जैसे जल्दी से सो जाते हैं। तो गाइस हमारी एक साइड की डिज़ाइन तैयार हो चुकी है हमारे ब्रिज की, अभी हमको एक्जैक्टली यही डिज़ाइन सेम इस तरफ भी बनाना है। तो मैं जल्दी से इस तरफ भी ये वाला डिज़ाइन बना देता हूँ एंड ये लास्ट वाले ब्लॉक्स हमको यहाँ पर लगाने हैं, देन हमारा काम हो ही जाएगा, मतलब बस हो ही गया। सो ये 1, 2
एंड ये 1 2 3 परफेक्ट। सो गाइस फाइनली हमारा ब्रिज पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। एंड अब ये दिखने में कैसा लग रहा है एक बार मैं दूर से देख लेता हूँ। क्वाइट कूल, दिखने में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। देखो ओ यहाँ पर एक ट्रेडर आ गया भाई। हेलो ट्रेडर, कैसा है भाई? ये मेरे को क्या दे रहा है? बकवास चीज़ें बेचता है, मतलब इसके पास कुछ भी अच्छा नहीं होता है, एकदम बकवास चीज़ें, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए तेरे से। तो गाइस फाइनली हमारा ब्रिज का काम तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी हमको ना यहाँ से थोड़ी सी स्टेयर्स लेनी पड़ेगी क्योंकि हमको अभी बहुत सारी स्टेयर्स की जरूरत है। एंड देन इसके बाद हमको ये स्टेयर्स यहाँ पर लगानी है। 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 5 6 एक मिनट, कितने 1 2 3 4 5 6 ओके परफेक्ट। यहाँ पर मैंने 6 स्टेयर्स लगा दी। देन इसके बाद हमको इसके ऊपर भी 6 स्टेयर्स लगानी है। 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर ये 6। देन इसके ऊपर हमको और एक फ्लोर बनाना है। 1 2 3 ये उल्टी लगा दी भाई, उल्टी नहीं सीधी लगानी है। ओके ये यहाँ पर हो गया एक लेयर, इसको भी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। मुझे ना ज़्यादा ऊंचा भी नहीं बनाना है, अगर मैंने ज़्यादा ऊंचा बना दिया तो वो कुछ अजीब लगेगा। सो आई गेस इतनी हाइट सही है, आई मीन स्टेयर्स के लिए इतनी हाइट सही है। तो गाइस फाइनली हमारा पूरा स्टेयरकेस तैयार हो चुका है जहाँ से हम अपने कासल के अंदर आएंगे। एंड अभी हमको यहाँ से बनाना है अपने कासल के अंदर का रास्ता, आई मीन यहाँ पर अभी हमारा घर बनाना है जहाँ पर हम रहेंगे। तो उसके लिए मुझे सारी की सारी डर्ट यहाँ से हटानी पड़ेगी एंड इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आई थिंक मुझे एक आयरन की ये ना शवल बनाकर लेकर आनी चाहिए क्योंकि ये स्टोन की शवल से ना ज़्यादा स्लो काम हो रहा है। तो मेरे पास आयरन भी काफ़ी सारा पड़ा है तो यहाँ से आयरन ले लेते हो। ओके आयरन यही पर है तो एक आयरन की शवल बना लेता हूँ। अगर मैंने आयरन की बनाई तो काम ज़्यादा फास्ट होगा। देखो आयरन की शवल से कितना ज़्यादा फास्ट काम हो रहा है, दैट्स वाई मैंने बोला कि मेरे को आयरन की शवल चाहिए क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा डर्ट है। सारी डर्ट हटाते हटाते सारी मेरी आयरन की शवल टूट गई। तो अभी ये वाली डर्ट भी यहाँ से जल्दी से हटाता हूँ। आई थिंक इतनी जगह इनफ रहेगी, मतलब हमारा टेम्पररी घर बनाने के लिए आई गेस इतनी जगह इनफ है। इतने में आई गेस हमारा काम हो जाएगा। ये स्टोन्स भी मुझे अभी यहाँ से देना हटाने पड़ेंगे, ये बीच में अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं जल्दी से यहाँ से स्टोन्स भी हटा देता हूँ। ओके परफेक्ट, अभी मैंने यहाँ से स्टोन्स भी हटा दिए। देन इसके बाद हमको यहाँ पर ना एक रास्ता बनाना है अंदर जाने के लिए। तो हम ये यहाँ से बनाएंगे टोटल 5 ब्लॉक, 1 2 3 4 एंड ये 5। ये एक्स्ट्रा लगा दिए, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह 5 ब्लॉक, देन इस तरह भी हमको 5 ब्लॉक्स लगाने हैं। 1 2 3 4 एंड 5 परफेक्ट। ये 5 5 ब्लॉक मैंने लगा दिए। देन बीच में हमको एक डोर भी लगाना है। 2 डोर से यहाँ पर इजीली बैठ जाएंगे। नाइस, इट्स लुक्स नाइस। देन हमको यहाँ पर 2 ब्लॉक्स ऊपर लगाने, नहीं 3 ब्लॉक्स लगाने आई थिंक। तो गाइस ये बन गई हमारी कासल की एंट्रांस। अभी मैं आपको एक बार इसको दूर से दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको दूर से देखूंगा ना तो ये दिखने में सही लगेगा। अभी हमको उसको ऊपर से भी कवर कर देना है तो जब ये पूरा हो जाएगा ना तब अच्छा लगेगा। तो अभी मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ओके तो ये इसको मैंने ऊपर से भी कवर कर दिया। स्टोन्स खत्म हो गए भाई। ओके मेरे पास वैसे काफ़ी सारा स्टोन पड़ा है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो गाइस ये बन गया हमारी कासल की एंट्रांस, यहाँ से हम अपने कासल के अंदर एंटर करेंगे। तो एकदम परफेक्ट लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। देन इसके बाद हमको क्या करना है कि टेढ़े ब्लॉक्स लगाते हुए ऐसे जाना पड़ेगा टोटल 4 ब्लॉक्स ऊपर। देन यहाँ पर भी हमको नीचे जाना पड़ेगा। आ यार लग रहा है तो 3 4। ओके तो 3 ब्लॉक हमको इस तरफ लगाने हैं, टोटल 2 ब्लॉक्स आई गेस। एंड 2 ब्लॉक्स हमको और इस तरफ लगाने हैं। 1 2 इसको भी साइड में लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 परफेक्ट। ये 4 4 ब्लॉक्स मैंने यहाँ पर लगा दिए। एंड यहाँ पर अभी हमारा एक कमरा बनने वाला है एंड इसके लिए मुझे ये सारा यहाँ से फिर एक बार ये पहाड़ तोड़ना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ एंड और एक आयरन की शवल बनाकर लेकर आते। तो ये बन गई हमारी और एक आयरन की शवल। तो यहाँ पर ना मुझे कहीं ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं बनाना है, मतलब स्टार्टिंग में हम छोटा ही कमरा बनाएंगे लेकिन जो उसकी लुक होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। दैट्स वाई मैं ये पूरा का पूरा भी यहाँ से पहाड़ हटाने वाला हूँ। डर्ट हटाना सबसे बोरिंग काम है एंड वो भी इस शवल से। अगर इसमें इफिशियंसी 2 3 होता ना तो मैं जस्ट ऐसे ही कर देता ना तो इस सारे के सारे यहाँ से डर्ट हट जाती, लेकिन नॉर्मल शवल से काम करना यार बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आई गेस इतना कमरा मतलब हमारा फर्स्ट कासल के लिए या फर्स्ट रूम के लिए इतना अच्छा लगेगा, आई थिंक सो या इतना यार अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। अगर मैं इतना ही बनाऊंगा तो भी ये सही लगेगा। तो ग्लासेस बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी सैंड की जरूरत है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पर कहीं पर जाते हैं तो सामने की तरफ मुझे थोड़ी सी सैंड तो दिखाई दे रही है तो वहाँ पर जाते हैं थोड़ी सी सैंड लेकर आते हैं क्योंकि मुझे अभी ग्लासेस बनाने हैं क्योंकि जो हमारा कासल है उसके अंदर मुझे थोड़े से ग्लासेस भी लगाने हैं साइड में। आई थिंक इतने सैंड में हमारा काम हो जाएगा, मुझे ज़्यादा ग्लासेस नहीं बनाने। तो मैंने यहाँ से ये सैंड तो ले ली। लेट्स गो फिर से एक बार अपने कासल के यहाँ चलते हैं। देखो यार कासल की लुक कितनी परफेक्ट लग रही है, आई मीन जब ये पूरा हो जाएगा ना तो आप इसको देखते ही रह जाओगे। तो अभी मुझे सैंड को डालना है इसके अंदर, ये स्टोन यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर भी सैंड डाल देते हैं ताकि थोड़े से ग्लासेस बन सके। ऊपर जाने के लिए एक रास्ता बनाने वाला हूँ यहाँ से, आई थिंक यहाँ से रास्ता सही रहेगा ऊपर जाने के लिए। 2 स्टेयर्स का मेरे को रास्ता बनाना है तो यहाँ पर मुझे ये स्टोन्स लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ना ये स्टोन्स लगाऊंगा ऐसे, यहाँ पर 2 स्टेयर्स, यहाँ पर 2 स्टेयर्स एंड उसके बाद ये इसका रूफ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मुझे 2 स्टेयर्स ऊपर लगानी पड़ेंगी, ये 1 एंड 2 एंड ये फाइनल रास्ता यहाँ से ये आ गया। यहाँ पर मुझे भी स्लैब्स लगाने पड़ेंगे, परफेक्ट। तो गाइस ये हमारा ऊपर आने का भी रास्ता बन गया हमारे रूफ के ऊपर। ओके ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेयर बना दी एंड दूसरी स्टेयर मुझे यहाँ पर बनानी है। ये यहाँ पर स्टेयर्स, यहाँ पर थोड़ी सी और स्टेयर्स एंड यहाँ पर ये फाइनल स्टेयर्स,
परफेक्ट। एंड मेरे सारे के सारे स्टेयर्स भी खत्म हो गई। देखो अभी यहाँ पर ये दो स्टेयर्स है जिससे कि हम ऊपर भी जा सकते हैं ऊपर का नजारा लेने के लिए। ओके 64 भाई 64 का एक स्टैक बन गया, परफेक्ट। एंड अभी और थोड़े बन जाएंगे एंड ये आखिरी वाला 64 एंड 31, इतने में हमारा जो ऊपर का रूफ होगा वो डेफिनेटली तैयार हो जाएगा। एंड मेरे पास अभी ग्लासेस भी है, मैं ग्लासेस को भी वहां पर लगा सकता हूँ। 1 2 3 4 एंड ये 5। ओके तो हमारा इतना छोटा पहला रूम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। ये बन गई और एक पिकैक्स। एंड अभी मेरा आयरन भी खत्म हो चुका है भाई, मेरे को ना इनका संभाल कर यूज करना पड़ेगा, मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेस है नहीं। एंड जो मैंने ग्लासेस बनाए थे ना वो मुझे यहाँ पर लगाने हैं, दैट्स व्हाई मैं ग्लासेस बनाकर अपने साथ लेकर आया था। तो ये ग्लासेस हम लगाएंगे यहाँ पर। ओके एंड बाकी के दो यहाँ पर। ओके एक्चुअली मैं तीन भी लगा सकता हूँ ना, तीन एक एक काम करते चार लगाते, ऐसा एक प्लस का साइन, आई मीन जो प्लस का जो साइन होता है ना वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, वो काफ़ी सही लगेगा। एंड अभी बस हमको इसको कवर करना है ग्लास की मदद से। ओके ये देखने में देखो कितना सही लग रहा है, हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, मैंने एक प्लस का साइन बना दिया। अभी बारी है यहाँ पर स्मूथ स्टोन स्लैब्स लगाने की, तो यहाँ पर मुझे ऐसे स्मूथ स्टोन स्लैब्स लगाने, तो मैं जल्दी से यहाँ पर स्मूथ स्टोन स्लैब्स लगा देता हूँ। तो गाइस फाइनली हमारा जो घर का रूफ है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, हमारे कासल का रूफ। और ये दिखने में यार काफी ज्यादा सही लग रहा है। मुझे ना अभी एक डोर बनाना है हमारे घर के अंदर डोर लगाने के लिए। लगभग अभी हमारा जो कासल का आई मीन जो स्टार्टिंग कासल का जो लुक है वो तैयार हो चुका है। एंड अभी मुझे यहाँ से डोर्स भी बनाने हैं। तो डोर कैसे बनता है भाई, डोर बनाने के लिए हमको ऐसे रखना होता है ना। ओके तीन डोर बन गए, मुझे तीन की नहीं मुझे बस दो की जरूरत है। एंड ये डोर हमको यहाँ पर लगाना है, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर। ये कहाँ पर खुल रहा है, परफेक्ट। इसको बंद करेंगे हम ऐसे। ये दिखने में देखो काफी सही लग रहा है। एंड जो स्मूथ स्टोन स्लैब है ना उनको यहाँ पर लगाना है, मतलब बाकी के बचे हुए स्मूथ स्टोन स्लैब्स। अरे एक अंदर लगा दिया, मेरे को एक अंदर नहीं लगाना है, उसको तोड़ना पड़ेगा। ओके एंड इसको बंद कर देते। अभी अगर मैं इसको दूर से देखूंगा तो ये दिखने में काफी ज्यादा सही लग रहा है। देखो इसके बाद हमको यहाँ पर भी थोड़े से स्टोन्स लगाने हैं ताकि इसको एक अच्छी लुक आ सके। कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर एक एक स्टोन लगाना है, एक ऊपर की तरफ। ओके यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, परफेक्ट। एंड इस तरफ भी मेरे को सेम चीज करनी है। अभी जरा इसको एक कासल टाइप की लुक आ रही है। एंड जो ये है ना हमारे एंट्रेंस, उसको मुझे थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि एकदम नॉर्मल लग रहा है। तो इसको ना यहाँ से मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ ऊपर की तरफ, जैसा हमने उस तरफ बनाया था। 1 2 3 3 4 ओके 4। एंड अभी मुझे सामने की तरफ तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको तोड़ना पड़ेगा। देन एक कोबलस्टोन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। ओके अभी ये देखने में कैसा लग रहा है आपको, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। आई मीन जो सामने की एंट्रेंस है ना उसको अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना दिया है। तो अब एक बार मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली दिखने में कैसा लग रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई कासल है। आई मीन अभी मेरे को इसको ना और भी एक्सटेंड करना है, लेकिन यार एक वीडियो में मैं इतना सारा काम नहीं कर सकता। लगभग मैं पिछले ढाई घंटे से मैं इसको बना रहा हूँ भाई। एंड इस तरफ से भी ना मैंने थोड़े से ये स्मूथ स्टोन यहाँ पर लगा दिए ताकि इसको एक कासल टाइप की लुक आ सके। एंड इसको भी मैं यहाँ से ना अभी कवर करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अभी थोड़े से और स्मूथ स्टोन लगा देते हैं, वैसे मेरे को और थोड़े स्मूथ स्टोन की जरूरत है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो गाइस अभी ना मैं जल्दी से मेरा सारा का सारा सामान अपने कासल के अंदर अभी मैं मूव करने वाला हूँ। तो सोने के लिए हम एक अंदर छोटा सा एक प्राइवेट रूम बनाएंगे जिसके अंदर हम खुद सोएंगे। ओके तो यहाँ पर हम सोने के लिए अपना बेड रख देंगे, यहाँ पर फर्नेस यहाँ पर रखते हैं एंड क्राफ्टिंग टेबल इसके जस्ट साइड में। ओके तो गाइस फाइनली मेरा कासल तैयार हो चुका है। एंड अभी मुझे ना थोड़ी सी टॉर्चेस बनानी है, नहीं मेरे पास टॉर्चेस ऑलरेडी है, तो मैं टॉर्चेस अपने घर के अंदर थोड़ी सी लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर कोई स्पॉन ना हो सके। नहीं तो यहाँ पर कोई क्रीपर वगैरह स्पॉन हो गया ना, मतलब बैंड बज जाएगी भाई, पूरा का पूरा हमारा घर टूट जाएगा। तो मुझे बाहर भी अपने घर के बाहर भी थोड़ी सी टॉर्चेस लगानी पड़ेगी। सो गाइस फाइनली पूरे ढाई घंटे की मेहनत के बाद हमारा जो कासल है वो तैयार हो चुका है। एंड ये दिखने में यार काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, मतलब मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका है। एंड जो ये एक्स्ट्रा फर्नेसेस है ना उनको मैं ऊपर लगाने वाला हूँ, मतलब जो हमारी ऊपर की छत है ना उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि ये मतलब दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये बाकी के फर्नेसेस मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ ऐसे ही शो के लिए, ठीक है। यहाँ पर दो हो गए एंड यहाँ पर ऊपर दो। ओके ये देखो कितना सही लग रहा है, आई मीन फर्नेस की एक दीवार होगी यहाँ पर। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा जो कासल होगा वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये तो अभी शुरुआत है, मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना इस सर्वाइवल सीरीज में हम इसको और बड़ा करते जाएंगे। तो यार गाइस आज के लिए बस इतना ही था। एंड आपको हमारा ये कासल कैसा लगा प्लीज़ यार मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताओ। एंड मुझे उसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या अपग्रेड करने चाहिए वो भी मुझे नीचे बताओ ताकि मैं इसको और ज़्यादा अपग्रेड कर सकूँ अच्छा वाला। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।